हेलो बच्चों, मैं अमिता माली, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से। पिछले वीडियो में हमने फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को समझा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी हाइफल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो पिछले वीडियो से हम कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन करेंगे। तो हम इसकी हाइफल स्ट्रक्चर समझ रहे थे, उसी में हम नेक्स्ट जो करते ही हैं टाइप्स ऑफ सेप्टा, यानी कि इसके जो हाइफल स्ट्रक्चर है उसमें कितने प्रकार के सेप्टा है, इसके जो थैलस में माइसीलियम में कितने प्रकार के सेप्टा या पट है, पटों के प्रकार को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सेप्टा हमें पता चलते हैं जो सत्य कवकों में पाए जाने वाले, ये जो डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सेप्टा इसमें पाए जाते हैं, पट इसके स्ट्रक्चर में माइसीलियम में पाए जाते हैं। तो कवक में विभिन्न प्रकार के पटों को हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें है मुख्य रूप से सॉलिड सेप्टा यानी ठोस सेप्टम, ए जो है डायग्राम में आप देख सकते हैं, यह है सबसे सरल एक पूर्ण आर पार भित्ति क्रॉस वॉल होती है, जो कि निम्न कवकों में पुरानी या जनन संरचना को कवक जाल से सीमित करने के लिए बनती है और ये जनरली एल्बिगो में पाई जाती है। फिर है परफोरेटेड सेप्टा, छिद्रित पट। छिद्रित नाम से ही हम समझ सकते हैं कि छिद्रित मतलब जिसमें छेद हो। यह मतलब सॉलिड सेप्टा से थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, जिसमें पट कई जगह से छिद्रित होता है, जैसे कि जियोट्राइकम इसका एग्जांपल है। फिर है बॉर्डर्ड पिट टाइप सेप्टा, इसमें ऊपर से इसमें छिद्र एक पट के द्विविभाजित किनारों द्वारा आच्छादित रहता है, जिस प्रकार की पाइनस में वाहिनिकाओं में विशिष्ट बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं। इसमें एक बायोबमनेट एवं या इलेक्ट्रॉन घन पदार्थ या बायोअम्बोनेट पदार्थ एक प्लग के रूप में होता है जो छिद्र को ढके रहता है, परंतु प्लाज्मा कला में ही स्थित रहता है। इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं म्यूकोरल्स एवं ट्राइकोमाइसिटीज। फिर है एस्कोमाइसिटीज टाइप सेप्टा, एस्कोमाइसिटीज प्रकार के जो पट है उन प्रकार में एक बड़ा केंद्र छिद्रित होता है, जो कि 0.5 मिली माइक्रोन व्यास का होता है। इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं एस्कोमाइसिटीज एवं डिटेरोमाइसिटीज। फिर है डोलीपोर सेप्टा, ये नाम सुना होगा आपने, ढोल छिद्र पट। यह एक विशिष्ट प्रकार का पट होता है जो कि बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। इसमें केंद्रीय छिद्र के चारों ओर ढोलकाकार स्थूलन उपस्थित होता है। इस प्रकार के छिद्रयुक्त पट ढोल छिद्री पट या डोलीपोर सेप्टा कहे जाते हैं। इसमें छिद्र के चारों ओर अंतःप्रद्रव जालिका काफ़ी पास पास इकट्ठी होकर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इकट्ठी होती है पास पास, और एक सेमी सर्कल या अर्धचंद्राकार टोपी जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको पैरेंथोसोम कहते हैं, और ये परफोरेटेड यानी कि छिद्रित होती है। इसका एग्जाम्पल है होमोबेसिडियोमाइसिटीज एवं ट्रमेलेलीज। तो ये है जैसा डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। अब इसकी जो हाइफल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ हाइफल जो मॉडिफाइड भी हो जाते हैं, मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती हैं जो विशिष्ट कवक सूत्री कायिक संरचनाएं बनाती हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो विशिष्ट कायिक संरचनाएं बनाती हैं वो कौन कौन सी हैं। रूपांतरित जो कवक सूत्री संरचनाएं हैं उसमें जो स्पेशलाइज सोमेटिक स्ट्रक्चर है उनमें है राइजोइड्स यानी कि मूलाभास। सुकाय की एक सूक्ष्म मूल जैसी तंतुनुमा शाखा होती है, जो कि सुकाय के आधार पर गुच्छों में बनते हैं। मूलाभास एक कोशिकीय काइट्रिड्स जैसे कि राइजोफाइडियम एंड तंतुनुमा कवक जैसे कि राइजोपस के सुकाय में बनते हैं। ये कवक मूलाभास के द्वारा परपोषी की सतह से चिपक जाते हैं तथा कवक सूत्रों द्वारा संक्रमण में सहायक होते हैं। फिर सेकंड है एप्रिजोरियम या आसकांग।
संक्रमण के समय कवकों में संलग्न अंग अटैचमेंट जो ऑर्गन का एक निर्माण होता है जो कवक को परपोषी से चिपकने में सहायता प्रदान करता है। ये बहुत ही एक सूक्ष्म माइक्रोस्ट्रक्चर या सूक्ष्म संरचना गोल पुट्टी का वेसाइकल के समान होती है। ये संरचना इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं एरिफसाइफी एंड पक्सीनिया में। फिर थर्ड एक स्ट्रक्चर जो बनती है वो है होस्टोरियम यानी कि चूषकांग के रूप में। कुछ विशिष्ट परजीवियों में विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जो चूषकांग कहलाती है। चूषकांग जैसा कि हम सभी जानते हैं जिससे चूषकांग जो परजीवी बनाता है जिसके माध्यम से एक आउटग्रोथ जैसी संरचना बनाता है और उसके माध्यम से ये पोषण का चूषण करता है या अब्जॉर्ब करता है। ये परपोषी की कोशिका भित्ति को भेद करके चूषण द्वारा यानी सक्शन या एब्जॉर्प्शन द्वारा परजीवी को पोषण प्रदान करने में सहायक होती है। यह परजीवी कवक सूत्र से पार्श्व आउटग्रोथ के रूप में निकलती है। इनके द्वारा एंजाइम का सिक्रेशन पोषक कोशिका के प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स का अपघटन करते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि किन में पाया जाता है, कौन कौन से कवकों में। एक तो स्क्लेरोस्पोरा एंड सेकंड है एरिसाइफी। इनमें जो हाइफे हैं वो होस्टेरियम के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हाइफल ट्रैप्स। ट्रैप्स यानी जाल, कवक सूत्री पाश या कवक सूत्री जाल। ऐसी कवकें जो कृमियों को पकड़ती हैं, कृमि यानी इंसेक्ट्स या वर्म्स, उनको पकड़ सकती हैं। उन्हें प्रीडेशियस फंजाई या परभक्षी कवक कहलाती हैं तथा इनके कवक तंतु विभिन्न रूपांतरण दर्शाते हैं। इन रूपांतरणों को स्नेयर्स अथवा कवक सूत्री पाश यानी कि हाइफल ट्रैप्स कहते हैं। सबसे सरल पाश बस चिपकने वाला तंतु या बल्ब होता है जो कवक जाल के पार्श्व में बनते हैं, जैसे कि डक्टाइल एरिया में डक्टाइल एरिया एलिप्सोरा और डक्टाइल एरिया कैंडाइडा एंड आर्थ्रोबोट्राइटस रोबस्टा में भी ये हमको देखने को मिल सकते हैं। और ये कवक सूत्री ये विभिन्न प्रकार के लूप्स का जाल बनाते हैं और प्रत्येक वलय 3 कोशिकाओं से बनता है। पाश द्वारा ये जो लूप्स है वो क्या करते हैं, कवक तंतु को पकड़ लेते हैं और जकड़ लेंगे घेरा बना करके, फिर उनसे पोषण ग्रहण करते हैं। तो ये तो थे विशिष्ट कायिक संरचनाएं मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर के क्रम में। दूसरी इनमें आती है एग्रीगेशन ऑफ हाइफे। एग्रीगेशन यानी कवक तंतु का समुच्चय किस प्रकार से होता है वो भी हम देखेंगे, जो कि रूपांतरित कवक सूत्री संरचनाओं का ही एग्जाम्पल्स हैं। उनमें है सबसे पहला स्क्लेरोशियम, ये भी नाम हम सब ने सुनाई है। यह संरचनाएं सामान्यतः पादप रोगजनक कवकों में उनकी विश्रांति अवस्था यानी कि रेस्टिंग स्टेज होती है। इनका कार्य अति जीविता है। इनमें आमाप आकृति एवं परिवर्धन में काफ़ी विविधता होती है, जैसे छोटी गोलाकार या अंडाकार अथवा बड़ी तथा विशिष्ट आकृति वाली। अनेकों बार कवक सूत्र संगठित होकर विशेष संहतियाँ या संरचनाएं बनाते हैं। इन जो संरचनाओं में उपस्थित कवक सूत्र एक दूसरे से इस प्रकार सटे रहते हैं कि उनके एक उतक के रूप में संगठित होने का आभास मिलता है। ऐसे कवक उतक को हम प्लेक्टेनकाइमा कहा जाता है तथा ये दो प्रकार का होता है प्लेक्टेनकाइमा। एक तो है प्रोजेनकाइमा और सेकेंड है सूडोपेरेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा यानी कि दीर्घ उतक। इसमें कवक सूत्र न्यून अधिक जो मतलब कवक सूत्र जो होता है समानांतर क्रम में व्यवस्थित तथा आपस में एक दूसरे में अंतर्वलित होते हैं। उनकी लंबी कोशिकाएं एक दूसरे से सरलता से पहचानी जा सकती हैं। आप डायग्राम में इजीली इसको देख सकते हैं जो मैं आपको नाम बोल रही हूँ। फिर सेकंड जो है इसका टाइप वो है स्यूडो पैरेनकाइमा। स्यूडो जो शब्द है हम कूट या एक फॉल्स स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कूट मृदुतक या आभासी मृदुतक। इस उतक में कवक सूत्रों की गोलाकार या अंडाकार कोशिकाएं आपस में सटी हुई मिलती है। यह उतक उच्च पादपों के मृदुतक के समान दिखाई देता है। स्क्लेरेशियम
इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा, स्क्लेरोशियम के जो बाह्य कवक सूत्र है वो कंपैरेटिवली और अधिक मोटी भित्ति वाले और स्टेन्ड होते हैं, यानी कि रंजित होते हैं, और कठोर आवरण का निर्माण करते हैं जो कि छिलका या रिंड कहलाते हैं। ये अनेक परतों का बना हुआ होता है और जो स्क्लेरोशियम के केंद्रीय भाग के कवक सूत्रों में संचित खाद्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर पे जो मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर है वो है माइसीलियल स्ट्रैंड्स। स्क्लेरोशियम एक विश्रांति अवस्था है, अनुकूल परिस्थितियों में इसका अंकुरण होता है और सामान्यतः नया कवक जाल बनता है। इसका है एक एग्जांपल राइजोमॉर्फ या तंतु जटा। ये कवक सूत्रों की मूल सदृश संरचनाएं, काष्ठ विघटनकारी एंड जड़ों को संक्रमित करने वाली कुछ कवकों में पाई जाती है जो गहरे भूरे रंग की होती है। ये भूमि में काफ़ी नीचे दूरी तक फैल जाती है तथा एक मूल तंत्र से दूसरे मूल तंत्र को संक्रमित कर देती है। इनमें शीर्षस्थ विभजोतक पाया जाता है। बाहर की मोटी भित्तियों वाली कोशिकाएं छिलके यानी कि रिंड का निर्माण करती हैं। इन पर श्लेष्म का एक आवरण भी पाया जाता है। तंतु जटा पर शुष्कन एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आर्मिलेरिया मेलिया जो वृक्ष यानी कि ट्रीज एंड श्रब्स के जड़ों में संक्रमण करती है। तो ये तो थी बच्चों इनकी हाई मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स की जो हाइफे है वो कैसे कैसे मॉडिफाइड होता है। अब हम देखेंगे इसकी हाइफेल सेल स्ट्रक्चर, इसकी हम सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि जो फंगल सेल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होती है। कवक जो है यूकैरियोटिक सेल संरचना होती है, इनमें डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एवं राइबोसोम्स सभी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के विपरीत इनमें राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र स्थित रहते हैं तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। कवक जो है कोशिकाओं में एक असामान्य संरचना जिसे लोमाजोम्स कहते हैं पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला के मध्य कणों अथवा वेसाइकल्स के रूप में कई जगह पर बनती है तथा इसका बहुत सारे कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि इसकी स्ट्रक्चर्स को नोटिफाई करते हैं। कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड होता है, धानी युक्त होता है, जिसकी बाह्य जो सीमा है आउटर मेम्ब्रेन है। जीवद्रव्य कला होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कवकों में जो प्लास्टिड्स है वो नहीं पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं फंजाई में जो प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड का पाए जाने का मतलब है कि जो स्वपोषी होता है ऑटोट्रॉप्स होता है उसी में केवल प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, प्लांट्स और कुछ एल्गी में, बाकी इनमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो कवकों में लवकों का पूर्ण अभाव होता है। इसकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल हम देखें तो श्लेष्म में फफूंदी या स्लाइम मोल्ड्स के अपवाद को छोड़कर शेष सभी कवकों में सुस्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति में 80-90% पॉलीसेक्राइड्स तथा शेष प्रोटीन एवं वसा होते हैं। भित्ति का जो स्केलेटन मटेरियल है मेन जो है काइटिन, सेल्यूलोज और कभी कभी ग्लूकेंस के वाले में सज्जित फाइब्रिल से बना होता है। काइटिन एन एसिटाइल बी ग्लूकोज अमाइन का पॉलीमर होता है तथा सेल्यूलोज डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। अधिकांश कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, लेकिन कुछ कवक जैसे कि ऊमाइसिटिस की भित्ति सेल्यूलोज व ग्लूकोन से बनी होती है। कभी कभी काइटिन एवं सेल्यूलोज साथ साथ भी पाए जाते हैं। ऊमाइसिटिस कोशिका भित्ति जिनमें कि सेल्यूलोज होता है में हाइड्रोक्सी प्रोलिन नामक अमीनो अम्ल की उपस्थिति एक विशिष्ट गुण है और इनमें ये जो है अलग अलग टैक्सोनॉमिक जो ग्रुप है उनमें अलग अलग
जो केमिकल कैटेगरी है इनकी सेल वॉल की वो अलग अलग पाई जाती है। इसका अगर हम न्यूक्लियस या केंद्रक देखें तो केंद्रकीय संगठन यूकैरियोटिक होता है, जो कोशिका में इनकी संरचना एक या दो अधिक हो सकती है। कवक सूत्र में केंद्रक सम या विषम केंद्र की होमो और हेट्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। कवक सूत्र में कोशिकाएं अगुणित यानी हैप्लोइड, केंद्रक युग्मी डाइकैरियोटिक या द्विगुणित डिप्लोइड होती है। द्विगुणित अवस्था शॉर्ट पीरियड वाली होती है, अल्पकालिक होती है। और विभिन्न कवकों में जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में कोशिका में केंद्रकों की संख्या तथा उनका आनुवंशिक संगठन जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत वेरिएशन लेकर के होता है, और इस आधार पर कवक में बहुत सारी ये वेरिएशंस पाए जाते हैं कोशिकाओं में, जैसे कि मोनोकैरियोटिक सेल यानी कि एकल केंद्रक कोशिका। नाम से हम समझ सकते हैं मोनो मीन्स एकल या एक केंद्रक वाली कोशिका, जिसमें कि अकेला अगुणित केंद्रक मोनोकैरियन होता है। ये कोशिकाएं जीवन चक्र की अगुणित अवस्था दर्शाती है। फिर है डाइकैरियोटिक सेल द्विकेंद्रक कोशिका, यह उच्च कवकों एस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडियोमाइसिटीज में कवक जाल की एक विशेष अवस्था होती है। प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिक रूप से दो अगुणित केंद्रकों का जोड़ा होता है, साथ साथ विभाजित होकर पुत्री केंद्रकों के जोड़े बना लेते हैं। फिर है सिनकैरियोटिक सेल, इस प्रकार की कोशिका में एक द्विगुणित डिप्लोइड केंद्रक होता है। जीवन चक्र में यह सत्य द्विगुणित अवस्था होती है। फिर होमोकैरियोटिक समकेंद्र की कोशिका, एक बहुकेंद्र की कोशिका में जब सभी केंद्रक आनुवंशिक प्रकार से एक समान हों, जैसे कि एक कवक जाल में जो एक एकल केंद्र की बीजाणु या यूनि न्यूक्लियट स्पोर से बना हो, वह कोशिका समकेंद्र की कहलाता है। हेट्रोकैरियोटिक सेल, इस प्रकार की कोशिका में जब सभी केंद्रक आनुवंशिकी प्रकार से भिन्न होते हैं, जो म्यूटेशन अथवा कवक सूत्रों के शाखा मिलन या एनास्टोमोसिस के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर है क्लैंप कनेक्शन, ये बक्कल लाइक विशिष्ट संरचनाएं बेसिडियोमाइसिटीज के केंद्रक युग्मी डाइकैरियोटिक कवक जाल में पाई जाती हैं तथा केंद्रक विभाजन के दौरान बनती है। और अब हम देखेंगे कि इसका सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है। कुछ कवक जैसे कि ईस्ट में सामान्य कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन होता है, परंतु अधिकतर कवकों में एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है, जिसमें विभाजन के दौरान केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती नहीं है, बल्कि इसके बीच में एक कॉन्स्ट्रक्शन बन जाता है, संकुचन बन जाता है, जिससे दोनों पुत्री केंद्रक अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के विभाजन में डम्बेल शेप्ड भी ये दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। कवक सूत्र में जो वृद्धि है शीर्षस्थ होती है। कवक तंतुओं में कोशिका जीवद्रव्य का संचरण हमेशा एक ही दिशा शीर्ष की तरफ होता है, जहाँ की वृद्धि होती रहती है। शीर्ष में सक्रिय केंद्रक विभाजन एवं विभेदन होता रहता है। शीर्ष के पार्श्व से एक्रोबिटल ऑर्डर में शाखाएँ निकलती हैं। पट्टयुक्त कवकों में वृद्धि के समय शीर्ष में गहरी शीर्ष संरचना दिखाई देती है, जिसे स्पिट्स जेन कॉर्पर कहते हैं। यह ऊमाइसिटीज एवं जाइगोमाइसिटीज में नहीं होता, बाकी में सब में मिलता है। पट्टयुक्त कवक एवं ऊमाइसिटीज में सूत्र के शीर्ष में अनेक वेसाइकल समान रूप से फैली रहती है, लेकिन जाइगोमाइसिटीज में ये जो वेसाइकल्स है वो क्रिसेंट शेप्ड यानी कि अर्धचंद्राकार संरचना के रूप में स्थित होती है। और अब न्यूट्रिशन अगर देखें फंजाई में, तो कवकों में क्लोरोफिल एवं अन्य प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की अनुपस्थिति के कारण ये कार्बन यौगिकों का निर्माण करने में पूर्णतः असमर्थ होती है। उनमें जीवाणुओं के समान रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाने की क्षमता नहीं होती, अतः ये परपोषी या अन्य कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं और परपोषी या हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। पोषण प्राप्त करने के स्रोत के आधार पर कवक तीन प्रमुख प्रकार का होता है, जैसे कि पैरासाइट्स। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू मेनी ग्रुप्स। सबसे पहले पैरासाइट्स है यानी कि परजीवी,
ये अपना पोषण सजीवों तथा जंतुओं तथा पादपों पाद परपोषी जीवित उत्कों से प्राप्त करते हैं। अधिकतर कवक संक्रमण कर परपोषी में रोग फैलाती है। कवक जाल द्वारा स्रावित एंजाइम की मदद से ये विलयन के रूप में भोजन का अवशोषण करती है। सामान्यतः ये क्रिया भित्तियों के माध्यम से होती है, पर कुछ कवकों में इसके लिए चूचकांग या होस्टोरियम बन जाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, परजीवी पैरासाइट्स जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट यानी अविकल्पी परजीवी, इनके पोषण के लिए विशिष्ट जीवित परपोषी अनिवार्य होता है एवं उसके अभाव में इनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता है, जैसे कि एल्बिगो क्रूसीफर के सदस्यों में एवं पक्सिनिया गेहूं के पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। फिर फैकल्टेटिव यानी विकल्पी, यह है कवक तो होते हैं परजीवी, बट क्या होता है जीवित परपोषी की अनुपस्थिति में मृत कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एस्टिलेगो, पाइथियम, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम। कुछ कवक बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जिनका कवक जाल परपोषी की सतह पर फैला रहता है, जैसे कि एरीसाइफी, तथा कुछ कवक अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट्स होते हैं जिनका कवक जाल परपोषी के उत्कों में मिलता है। उत्कों में इसकी उपस्थिति इंटरसेल्युलर या अंतःकोशिकीय हो सकती है। फिर है सेप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी। ज़्यादातर कवक मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इनके द्वारा स्रावित बाह्य एंजाइम जटिल अविलय कार्बनिक पदार्थ विलयन के रूप में बदल जाता है, जो कि आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। अविकल्पी मृतोपजीवी, इनमें जीवित सजीवों को संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती, अतः ये मृत कार्बनिक पदार्थों से ही पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि म्यूकर, म्यूसिडो, मॉर्शेला या मॉर्केला, पेजाइजा अगैरिकस एक्सेट्रा। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स विकल्पी परजीवी, ये अपना पोषण मुख्यतः मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, पर अवसर मिलने पर जीवित सजीवों से भी पोषण ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि राइजोपस स्टोलोनिफर, पेनिसिलियम एस्परजिलस एक्सेट्रा। फिर थर्ड आता है सिम्बायोंट्स या सहजीवी। कुछ कवक अन्य जीवों के साहचर्य में पाए जाते हैं एवं साहचर्य के दोनों अंश एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं, इसे सिम्बायोसिस कहते हैं, जैसे कि लाइकेन एवं कवक मुग माइकोराइजा। शैवाक में कवक तथा एक शैवाल अंतर्वलयित होकर एकल सुकाय का निर्माण करते हैं, ये साहचर्य दोनों सजीवों के लिए लाभदायक होता है। कवक जीवित शैवाल कोशिकाओं से परजीवी के रूप में एवं मृत कोशिकाओं से मृतोपजीवी के रूप में अपना भोजन प्राप्त करती है। शैवाल को सुरक्षा, जल तथा पोषक पदार्थ मिलते हैं। कवक मूल में कवक कुछ वृक्षों जैसे कि पाइनस के जड़ों के साथ संबंध हो जाती है। यह कवक वृक्ष के लिए मृदा से जल एवं लवणों का अवशोषण करती है तथा बदले में उन्हें सुरक्षा तथा भोजन प्राप्त करती है। जब कवक जड़ के बाहर आवरण बनाती है तो यह मूल बाह्यपोषी या एक्टोट्रॉफिक कहलाती है, जैसे कि पाइनस, तथा यदि कवक जाल जड़ों के उत्कों में उपस्थित रहती तो इन्हें एंडोट्रॉफिक कहते हैं, जैसे कि ऑर्किड। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें ग्लाइकोजन या वसा अथवा तेल बिंदुओं के रूप में मिलता है, स्टार्च इसमें बिल्कुल एब्सेंट रहता है। और इनकी चलनशीलता मोटिलिटी को हम देखें तो ये प्रगत कवक अचल होते हैं तथा जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में चल कोशिकाएं नहीं बनती हैं। और जो निम्न श्रेणी की कवक है उनमें चल जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो एक या दो कशाबिका युक्त होती है। कशाबिकाएं दो प्रकार की होती हैं, विप्लाश फ्लैजेला, प्रतोद कशाबिका जिनकी सतह चिकनी होती है, और टेंसल फ्लैजेला, कूर्च कशाबिका। इनकी सतह पर अनेक सूक्ष्म रोम सदृश पार्श्व सूत्र पाए जाते हैं जिन्हें मैस्टिगोनीम्स कहते हैं। तो बच्चों, ये तो थी इनकी हाइफल स्ट्रक्चर, इसके थोड़े बहुत जनरल कैरेक्टर्स। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम इसको आगे बढ़ाते हुए इसके रिप्रोडक्शन को समझेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।